शनि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनि देव राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। जी हाँ, जिन लोगों का ड्राइवर नंबर वन है या कंडक्टर नंबर वन है, वो इन रेमेडीज को स्पेशली ना करें। उसके अलावा कोई भी इन रेमेडीज को कर सकता है, क्योंकि शनि है हमारे कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट के जिम्मेवार। तो आप सब इस शनि जयंती पे क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले शनि देव के मंदिर जाइए, वहाँ पे ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कीजिए, शनि चालीसा पढ़िए और कोशिश करें जो भी सामग्री आप मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं वो अपने घर से लेते जाएं। स्पेशली शनिवार को और मंगलवार को आपको सरसों का तेल परचेज नहीं करना चाहिए। बहुत से मंदिर के बाहर थाली बेचते हैं, आपको वहीं पे सामग्री लेने के लिए बोलते हैं, तो प्लीज स्टॉप दिस। आप अपने या तो घर से लेके जाइए, अगर आप घर से नहीं जा रहे हैं, कहीं और से जा रहे हैं, तो आप डोनेशन बॉक्स में उस थाली के पैसे चढ़ा सकते हैं। शनि का जो पात्र होता है, आप कांसे की कटोरी लीजिए, इसको छाया दान बोला जाता है। इस दिन का महत्व क्या है, जो लोग स्पेशली बीमार हैं या जिन पे साढ़े सती चल रही है शनि की, कांसे की कटोरी लेकर उसमें सरसों का तेल डाल के उसको अपने फेस के साथ रिफ्लेक्शन अपनी छाया को देखिए और उस छाया पात्र को आप कहीं भी शनि देव के मंदिर में दे के आइए। थर्ड, आपको क्या करना चाहिए, जब आप मंदिर से माथा टेक के बाहर आएंगे तो आपको शनि देव के चरणों से थोड़ा सा सरसों का तेल लेके अपने नेल्स के ऊपर लगा के वहां से निकलना चाहिए। इम्पोर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी शनि देव के डायरेक्ट सामने खड़े होके प्रेयर्स को नहीं करेंगे, आप हमेशा साइड पे तिरछे खड़े होके उनसे प्रेयर कीजिए, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी मेहर कर सकते हैं और स्लो जरूर होती हैं चीजें, लेकिन डेफिनेटली होती जरूर है। ऑल द बेस्ट, दुआ करूंगी आप सबके लिए आपके रुके हुए काम बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच।